मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। शिक्षक को 2 गोली लगी है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र का है। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के हंसना के विजय सिंह के 18 साल के बेटे यश कुमार अय्यापुर के बखरी चौक के पास किराए के मकान में रहते हैं। सोमवार सुबह बगल में अपने फुफेरी बहन के घर गए थे। वहीं उसके छोटे भाई आर्यन के छाती पर बाइक सवार युवकों ने हाथ मार दिया, जिसके बाद वो लोग बाइक सवार का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद बाइक सवार दोनों अपराधी वापस वहां से गुजर रहे थे, तभी यश ने उनको रोक लिया। दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी हथियार निकाले और यश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें यश को 2 गोलियां लग गई। एक गोली उसके दाएं हाथ पर लगी है, वहीं दूसरी गोली उसके दाएं तरफ छाती में लगी है। इसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद यश भागकर एक घर में छिप गया। थोड़ी देर बाद आनन-फानन में घायल यश को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां उसका इलाज चल रहा है। यश ने इस साल 10वीं की परीक्षा पास की है और अय्यापुर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। इलाज कर रहे डॉक्टर धीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि युवक को 2 गोली लगी है, उसका ऑपरेशन किया जाएगा। अभी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पूरे मामले पर अय्यापुर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। क्या हुआ, फोन मारा आपको? इससे झगड़ा हुआ था, कहाँ गए थे चुराने? बताइए, हम लोग आपके साथ हैं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ना, बोलने का मन नहीं कर रहा। और धीरे धीरे बोलिए, जैसे बोल रहे हैं धीरे धीरे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हैं हम लोग। जो मारा है वो पकड़ा है, बताइए क्या हुआ था, किससे लड़ाई हो रहा था? लड़ाई नहीं हुआ। कैसे गोली लगी? गोली चलाने वाले क्या चीज से थे? बाइक से। बाइक से कितने लोग थे? 2। क्या राउंड फायरिंग किया? 10। हाँ, 10। एक राउंड? 10। 10 राउंड फायरिंग किया। आप कहाँ से आ रहे थे? घर पे थे। क्या कोई विवाद हुआ था किसी से? नहीं। कोई मारने की साजिश थी आपको? नहीं। तो किसी और को चला रहा था, आपको लग गया, ऐसा था क्या? नहीं। तो निशाना आप ही पर था? मारने वाले को पहचानते हैं? नहीं। हाँ? नहीं पहचान रहे हैं। आप अकेले थे उस समय? 2-3 आदमी और एक भैया थे मेरे। 2 आदमी से थे आप लोग? हम अकेले थे उस टाइम, भैया पीछे था उधर। ये घटनास्थल कहाँ पर है? बकरी डीएवी। क्या गोली लगा आपको? एक गोली लगा। क्या करते हैं? टीचर। शिक्षक हैं? प्राइवेट स्कूल में। क्या नाम है? यश विजय सिंह। घर कहाँ हुआ? हसना। हाँ, हसना। क्या मिली थी सर? सूचना मिली है कि बकरी चौक के बगल में डीएवी स्कूल है, वहीं पे गायघाट के रहने वाले यश विजय सिंह पिता के नाम है विजय सिंह, ग्राम हसना है, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी, जो डेरा लेकर डीएवी स्कूल के बगल में अपना रहता है, जो सुबह में पूजा करके आया है और अपने डेरा पर गया है। तो उसके भाई को 2 आदमी बाइक वाला एक चट्टा मार दिया, एक मुक्का मार दिया है। वही सूचना ले जा करके यश विजय को दिया है। यश विजय अपने रूम में से निकल के बाहर आया है, तो दोनों बाइक एक बाइक है जिसमें 2 सवार था, वो आया अपराधी है ना, और इसको गोली मार दी। एक गोली लगा है दाहिने साइड में सीना पर, और बाकी हवाई फायरिंग करते हुए चला गया। टीवी में आप जाके देखें क्या कुछ उसमें लिखा है टीवी। तो हम लोग नहीं देखे। आगे क्या कार्रवाई कर रही है? आगे तो सीसीटीवी वहाँ पे है, सीसीटीवी का फुटेज निकाल करके उसके कार्रवाई पता चल पाया घटना का? अभी तो लड़का कुछ बता नहीं रहा है, अज्ञात बता रहा है। लड़का पूछने पे बोला कि नाम नहीं जानते हैं। फिलहाल सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। हाँ, सीसीटीवी। थैंक यू।